नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इस दिन से टाटा और पटना के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। कैंसर मरीजों का पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। बिहार ने बनाया AI की शक्ति से लैस अपना सुपर कंप्यूटर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के इन 6 शिक्षकों की हुई अनुशंसा। विश्व विजेता होने के बाद भी राहुल द्रविड़ को है इस बात का पछतावा। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस दिन से टाटा और पटना के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत टाटा नगर से पटना के लिए 15 अगस्त को होने वाली है। वंदे भारत के परिचालन से टाटा और पटना के बीच का सफर महज 6 घंटे 30 मिनट में ही पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल दोनों की दूरी को पूरा करने में करीब 11 घंटे तक का समय लग जाता है। इस ट्रेन का ट्रायल आज कल में शुरू करने की बात सामने आई थी। इसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। साथ ही वॉशिंग लाइन नंबर 1 में ट्रैक्शन तार लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। हालांकि अभी तक इसे लेकर रेलवे द्वारा आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना को लेकर ये आदेश हुआ जारी। निर्धारित मानक के अनुरूप बिहार के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक आधारभूत संरचना का विकास कार्य किया जाना है। आधारभूत संरचना के विकास कार्य में विद्यालय भवन, अतिरिक्त वर्ग और लाइब्रेरी आदि का निर्माण कार्य शामिल है। इससे पहले बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के अभियंत्रण कोषांग का एकीकरण किया गया था, लेकिन अब दोनों ही अभियंत्रण कोषांग अलग अलग काम करेंगे। इसके तहत प्रधानाध्यापक 50,000 रुपये तक का निर्माण कार्य, कार्य जिलाधिकारी 50,000 से 50 लाख रुपये तक का काम, वहीं BSEIDC 50 लाख रुपये से अधिक का काम करवाएगी। कैंसर मरीजों का पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कैंसर के मरीजों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कैंसर मरीजों का पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कैंसर के मरीजों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। SKMCH के सुपर स्पेशलिटी परिसर में डे केयर सेंटर का शुभारंभ करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आने वाले दिनों में कीमोथेरेपी के साथ साथ कैंसर मरीज के सर्जरी का खर्च भी सरकार उठाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 350 करोड़ की लागत से कैंसर अस्पताल में उपकरण लगाए जाएंगे और अगले साल मार्च में नए भवन का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी 2,477 कैंसर के मामलों का पता चला है। इनमें से अधिकांश को आगे के उपचार की आवश्यकता है। मरीजों का सारा इलाज जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। बिहार ने बनाया AI की शक्ति से लैस अपना सुपर कंप्यूटर। IT इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बिहार ने नया मुकाम हासिल किया है। बिहार ने अपना सुपर कंप्यूटर तैयार कर लिया है। AI से संपन्न इस सुपर कंप्यूटर का नाम परम बुद्ध रखा गया है और पटना में मौजूद CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के पटना चैप्टर ने इसे तैयार किया है। इस सुपर कंप्यूटर के बनाने के बाद बिहार अब देश के उन विकसित राज्यों और पटना उन विकसित शहरों की सूची में शामिल हो गया है जहां इस प्रकार के कंप्यूटर मौजूद हैं और इससे कई प्रकार के कार्य भी किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के इन 6 शिक्षकों की हुई अनुशंसा। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार से 6 शिक्षकों के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार से की है। शिक्षा मंत्रालय ने भारत सरकार को संबंधित शिक्षकों के नाम ऑनलाइन भेज दिए हैं। जिन शिक्षकों के नाम की अनुशंसा हुई है उनमें 4 पुरुष शिक्षक और 2 महिला शिक्षक हैं। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शनिवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि कैमूर जिले के न्यू प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सिकेंद्र कुमार सुमन, पश्चिम चंपारण के उच्च माध्यमिक विद्यालय की सहायक शिक्षिका सुश्री मेरी एडलिन, नवादा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षक रंजन कुमार का नाम भेजा गया है। इसके अलावा मधुबनी के गंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय की सहायक शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी एवं सारण के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षक डॉक्टर शशि भूषण शाही के नाम की अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए की गई है।
सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की कवायद हुई शुरू। सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। इसे लगाने की कवायद 3 महीने के एडवांस के प्राविधान के साथ शुरू होकर कर दी गई है। सरकारी दफ्तरों में अभी तक 10,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इसकी जानकारी बिजली कंपनी द्वारा दी गई। आपको बता दें कि जिन सरकारी दफ्तरों का बिजली कनेक्शन 20 किलोवाट तक का है, वहां सरकार द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लिया गया था। साथ ही सरकारी दफ्तरों में 3 महीने के बिजली पर होने वाले खर्च का आकलन भी कर लिया गया है। इस राशि का आवंटन सरकार उपलब्ध करवाएगी। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग में जहानाबाद से 49 शिक्षक संदेह के घेरे में। जिन शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं, उनकी काउंसलिंग शुरू है। यह काउंसलिंग प्रक्रिया DRCC ऑफिस में चल रही है। इसी के तहत काउंसलिंग के लिए शनिवार के दिन 250 सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को बुलाया गया। इनमें से 12 शिक्षक किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सके। वहीं एक शिक्षक का OTP मिलान नहीं हो पाया। आपको बता दें कि बीते 8 दिनों से सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। इतने दिनों में अभी तक 1920 शिक्षकों की काउंसलिंग की जा चुकी है। इसकी जानकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राज कमल द्वारा दी गई। वहीं जहानाबाद में इस काउंसलिंग के दौरान करीब 49 शिक्षक संदेह के घेरे में आए हैं। बिहार के भागलपुर में 2549 करोड़ की लागत से गंगा पर बनेगा नया रेल पुल। अगले महीने से बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर नए पुल के लिए DPR बनाने का काम शुरू हो जाएगा और इसी साल के अंत तक पुल निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इस काम को अगले 5 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी जानकारी शनिवार को पाटलिपुत्र रेल परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने रेलवे बोर्ड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा करीब 24,657 करोड़ की लागत के साथ रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें बिहार के भागलपुर के पास गंगा पर एक नए रेल पुल का निर्माण भी शामिल है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया चेतावनी। बिहार के कई जिलों में गुरुवार से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। इससे एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मियों से राहत मिली है, तो इसके साथ ही कई जगहों पर बारिश लोगों के लिए आफत भी बन गया है। भारी बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ने लगा है। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से ही पूरे राज्य में मॉनसून और अधिक सक्रिय हो गया है, जो सोमवार तक बना रहेगा। मौसम विभाग द्वारा बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना सहित पूर्णिया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, किशनगंज, अररिया और जमुई में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा लगभग सभी जिलों और उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बिजली चमकने और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। बिहार में एक बार फिर बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। पिछले 2 दिनों से बिहार में लगातार भारी बारिश देखने को मिली है, जिससे पटना, भागलपुर समेत कई अन्य जिलों में गंगा, कोसी और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कोसी सीमांचल समेत कई क्षेत्रों में एक बार फिर बाढ़ के संकेत मिल रहे हैं। भागलपुर में गंगा नदी उफान पर है, कई इलाकों में पानी घुस चुका है। पटना में भी गंगा नदी अधिकतर जगहों पर लाल निशान से ऊपर या करीब बह रही है। दानापुर के दियारा इलाके में पानी घुसने के बाद अब लोगों की समस्या भी बढ़ गई है। सुपौल समेत कई जिलों में पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। सुपौल, कटिहार और पूर्णिया के कई इलाकों में जल भराव हो रहा है। बिहार के 6,000 गरीबों को घरों की मरम्मत के लिए मिलेंगे 50,000 रुपए। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 6,000 गरीबों के लिए बड़ी सौगात दी है। बिहार के 6,000 गरीबों को आवासों की मरम्मत के लिए बिहार सरकार द्वारा 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना से कुल 30 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने फैसला किया है। इस राशि से टूटे फूटे पुराने इंदिरा आवासों की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। SC ST वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। कांग्रेस नेता नटवर सिंह के निधन पर CM नीतीश समेत कई बड़े नेताओं ने जताया शोक। कांग्रेस के कद्दावर नेता नटवर सिंह का निधन हो गया है। ये पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इनके निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। इनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व बिहार के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने शोक जाहिर की है। आपको बता दें कि ये 93 साल के थे। इन्होंने शनिवार के दिन अंतिम सांस ली। इनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्वर्गीय नटवर सिंह ने मई 2004 से दिसंबर 2005 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन
मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। उनका निधन दुखद है। तेजस्वी के बयान पर ललन सिंह का पलटवार। अभी हाल में ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ रहते तो बीजेपी की हवा उड़ जाती। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ केंद्र में और बिहार में सरकार चला रही है। तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं और वह सिर्फ सपना ही रहेगा। यात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूलने का पप्पू यादव ने उठाया मामला। पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट बनाने के साथ ही विमान चालकों द्वारा यात्रियों से मनमाने तरीके से पैसे वसूलने का मामला संसद में उठाया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में देश में एयरपोर्ट की संख्या बेहद कम है, जबकि यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है, जिससे आम लोगों को हवाई यात्रा करना मुश्किल हो गया है। इस दौरान पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और परीक्षा देने कहीं जाना चाह रहे हैं तो उन्हें ट्रेन का टिकट तक नहीं मिल पाता है। जो बच्चा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परीक्षा देने के लिए जा रहा है तो क्या वह 30,000 रुपये में टिकट खरीद कर जाएगा। विश्व विजेता होने के बाद भी राहुल द्रविड़ को है इस बात का पछतावा। भारतीय क्रिकेट टीम में राहुल द्रविड़ 2.5 साल तक एक कोच की भूमिका में रहे। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद उन्होंने कोच का पद छोड़ दिया। विश्व विजेता होने के बाद भी आज भी एक ऐसी चीज है जिसका पछतावा राहुल द्रविड़ को हो रहा है। द्रविड़ ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज न जीत पाना उन्हें अभी तक खल रहा है। आपको बता दें कि 2021 में टीम इंडिया में कोच का पद संभालने के बाद उन्हें पहला असाइनमेंट साउथ अफ्रीका का मिला था। 2022 जनवरी में साउथ अफ्रीका का दौरा था। यहां भारतीय टीम ने दौरे की शुरुआत में सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में शानदार जीत हासिल की, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया लगातार 2 मैच हार गई और सीरीज गवा बैठी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत से लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं सुशील कुमार मोदी, परशुराम सिंह, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद असगर कमाल, राजकिशोर महतो, गुनर शर्मा, प्रमिला कुमारी, पवन देवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, रंजीत कुमार झा, अनवर करीम खान, नौसाद रजा, सपना कुमारी, वेद प्रकाश सिंह, नीतीश कुमार सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।